पूरी घर घर स्क्रीनिंग करा रहे हैं, जो भी टीम्स बन रही हैं उसके लिए, जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं ये जितने भी जहाँ पर कि पाए गए हैं, जहाँ प्रमुखता से पाए गए हैं, उसमें 50 घरों पे एक टीम बनेगी। ऐसे एक टीम नोडल अधिकारी रहेगा उसका, जो घर 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 नियंत्रित करेगा 14 दिन तक। उसके ऊपर ऐसे 50-50 कैसे 10 के ग्रुप के ऊपर सुपरवाइज़र रहेगा, जो एक यंग डॉक्टर टाइप का रहेगा या MPW कोई रहेगा, उसके ऊपर एक बड़ा डॉक्टर रहेगा। तो लोकेलिटी वाइज इसमें टीम बनाई जा रही है जो हर घर का मॉनिटरिंग और परीक्षण करेगी, जो ये कर रहे हैं। किराना सामान की प्रक्रिया बना रहे, देखिए जो भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, इससे पब्लिक घर से नहीं निकल सकेगी। पब्लिक को ये बिल्कुल मनस्थिति मान के चलनी चाहिए कि ये लॉकडाउन अभी चलेगा ये, और ये जनता के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है ये। तो ये आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को ये भी करना, पर हाँ जितनी सुविधाएँ हो सकती हैं डोर स्टेप पर हम लोग करेंगे, किराने की राशन की इसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज और कल में फाइनलाइज हो जाएगी वो। इसमें डोर स्टेप पे फ़ोन इसे दोनों तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जो बिग बाज़ार है वॉल अपना डी मार्ट है, जो अपना रिलायंस है, इसमें अलग अलग तरह की चेन्स हैं, इसमें जो होम डिलीवरी भी करती हैं प्लस अपने गोडाउन से इस तरह की जो होम डिलीवरी करने वाली संस्थाएं उनको भी माल देती हैं, इसको भी अलग से हम लोग परमिट कर रहे हैं कि आप ऑर्डर लो, क्योंकि गाड़ियों को परमिशन कर रहे हैं। हर गाड़ी में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी एक वाहन पास रहेगा, वो दिखाना होगा जिसको पुलिस चेक करेगी, अगर वो गाड़ी में नहीं लगा है तो गाड़ी जब्त की जाएगी, वो वॉल्यूशन माना जाएगा उसका। तो और दूसरा हम लोग किराने की दुकानों का भी व्यवस्था कर रहे हैं, किराने की दुकान खुलेंगी नहीं कोई भी, बिना खुले किस प्रकार से वो बुकिंग कराए, और स्कूटर से एक किराने की दुकान को अगर हमने कोई एरिया बांट दिया वार्ड का हिस्सा है, किस प्रकार से फ़ोन में बुकिंग लेकर के बंदा उसका जाए, जो स्कूटर को परमिशन रहेगी हम लोग की अनुमति रहेगी उसकी, और घर में डिलीवरी दे के आ जाए वो, ये व्यवस्था बन रही है। व्यवस्था पहले से क्लिनिक्स को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, अभी क्लिनिक्स बंद करने के निर्देश हैं। क्लिनिक्स से ही कई देशों में डॉक्टर्स की क्लिनिक्स के माध्यम से ही ये रोग बहुत ज़्यादा फैला है। अगर एक भी क्लिनिक संक्रमण का हो जाती है तो उससे बहुत सारे पेशेंट्स को, वो बहुत सारे लोगों को ये संक्रमण हो सकता है, इसलिए क्लिनिक्स को बंद करने के ही निर्देश हैं। क्लिनिक्स बंद रहेंगे, उनके डॉक्टरों से मैंने अनुरोध जरूर किया था आप लोगों के माध्यम से कि जो भी निकटतम अस्पताल में अपनी सर्विसेज दे सकते हो और पैरामेडिकल स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हो अपने क्लिनिक के वहाँ आने के लिए, वो करना चाहिए उनको। कंपनियाँ पहुँच चुकी हैं और खासतौर पर जो टीमें जा रही हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और क्या कदम आने वाले हैं? देखिए तो जनता को समझना पड़ेगा, जो टाटपट्टी का काम हुआ हम लोगों ने जो किया रासुका, उसके बाद कल शाम को लोगों के फ़ोन भी आए वहाँ से, सब हम बहुत अफसोस है हमको कि गलत हुआ ये, और फिर टीम गई कल शाम से ही हमारा काम फिर पुनः शुरू हो गया था, और लोगों ने मीडिया को शायद बोला भी है उसमें कि अफसोस जाहिर किया है कि बहुत गलत हुआ है, शर्मिंदगी महसूस की लोगों ने। तो जनता को बेसिकली इसी तरह से बिहेव करना चाहिए, अभी जो भी मेडिकल टीम जा रही है उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, जो भी लोग कर रहे हैं सब जनता के भले के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से अफेक्टेड लोग किस तरह का पूरा रहेगा? एक आज बैंक सब अधिकारियों, सभी बैंकों के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया था कि किस प्रकार से बैंक्स को हमको रेगुलेट करना है अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोग बैंक्स को जो उनकी खुद की वर्किंग है, नगर निगम सीमा क्षेत्र है इंदौर का, इसमें बैंक अभी बंद कर रखे हैं, तभी उसको हम लोग खोलने का आदेश कर रहे हैं, पर पब्लिक का समय बार उनसे नहीं रहेगा, उनकी इंटरनल वर्किंग होगी, इंटरनली उनको जो ATMs में कैश लोड करना है वो करेंगे, जो भी उनको राशियाँ ट्रांसफ़र करनी है विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खातों में वो सब करेंगे वो। और ग्रामीण क्षेत्र तो बैंक अभी भी खुले हैं, उसको पहले बंद ही किया था, उसमें भी राशि ट्रांसफ़र करके जो कोरोना के लिए मनी केंद्र शासन द्वारा या राज्य शासन द्वारा जो अलग अलग एक स्कीमों में पैसा ट्रांसफ़र किया है कोरोना के समय में गरीबों के लिए, तो वो सब राशि ट्रांसफ़र होकर के उसके वितरण की व्यवस्था आदि ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, जो भी अभी चल रही है अभी वहाँ पर। एक तो बैंकों के साथ चर्चा करके ये इशूज़ फाइनलाइज किए हैं, तो आज हम लोग उसमें आदेश कर देंगे। दूसरा, एक IMA के डॉक्टर्स को बुलाया था और एक मेडिकल टीम लगी है अलग से CMHO को सपोर्ट के लिए, जिसमें कि सैम्पलिंग हो गया, RRT टीम्स हो गई, किस प्रकार से मैपिंग करनी है हम लोगों सेंसिटिव एरियाज़ की, क्योंकि अब इन एरिया में अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है थोड़ा स्टेबिलिटी है, मतलब ये नहीं बोल सकते पूरे सुरक्षित हो गए हैं, पर अब लोग ठीक होकर आना शुरू होने वाले हैं। मेरे ख्याल से सोमवार से या मंगलवार से पहला पेशेंट अपना निकलना शुरू हो जाएगा जो ठीक हो गया है, और ऐसे 20 पेशेंट धीरे धीरे निकलते आएंगे, जैसे जैसे उनकी सेकंड रिपोर्ट निगेटिव आएगी। 20 पेशेंट जो कल उन्होंने मीटिंग ली थी, 20 पेशेंट इस समय अरबंदों में लगभग स्वस्थ हैं, केवल उनकी एक निगेटिव रिपोर्ट आनी है, फिर 24 घंटे में फिर टेस्टिंग होगी, फिर निगेटिव रिपोर्ट आएगी। तो उनका डॉक्टर भंडारी का कहना था कि मंडे से हम रिलीज डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो ये भी अच्छी खबर है शहर के लिए। ओवरऑल स्टेबिलिटी है, कुछ हम लोगों ने सैंपल्स अभी भेजे हुए हैं काफ़ी, जो सेंसिटिव केसेस थे उनके भी रिपोर्ट्स आनी है, उसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव अभी और आएंगे, पर ये सभी वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन में शिफ्ट कर रखा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अगर पॉजिटिव सैंपल्स आते भी हैं
तो हम लोग उनके सबको ऑलरेडी चूँकि रिटायर में, फिर हम लोग फर्दर जांच करेंगे कि उनके संपर्क का कोई आदमी बचा तो नहीं है कहीं मोहल्ले में। अगर एक दो परिवार के बच्चे होंगे तो उनको भी हम लोग या होम क्वारंटाइन कर देंगे या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देंगे। इससे इस प्रक्रिया से धीरे 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 चीज़ें जो हैं ऊपर वाले की ईश्वर की मदद से संभलेंगे। सर किराना सप्लाई किया है अलग से रख के, और सिम्टम्स के लिए रेगुलर चेकअप हो रहा है उनका। अगर सिम्टम्स आएंगे तो उनको हम लोग आइसोलेशन में ले जाकर के टेस्टिंग कराएंगे। नहीं पब्लिक बिल्कुल नहीं जा सकती है, पब्लिक का स्ट्रिक्टली मना किया ऑर्डर। किराना सामान की पहुंच